नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी नॉलेज में। दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक मणिपुर की एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके बारे में मार्केट में बहुत से र्यूमर्स हैं कि यूनिवर्सिटी फेक है या इसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह फेक है। तो हम आज इसका पूरा रिकॉग्निशंस, इसकी एस्टेब्लिशमेंट, इसका थॉरो जो कोर्सेस, कौन कौन से कोर्सेज ये चलाती है यूनिवर्सिटी, इसका एप्लीकेशन है कि नहीं है UGC में, इसका अप्रूवल UGC ने दिया हुआ है नहीं है, सारी डिस्कशन आज सारा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जिससे कि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हैं एजुकेशनल वीडियोस के, वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे और आप करंट मतलब अपडेट आप हो सकते हो। तो वीडियो को करते शुरू हैं कर, दोस्तों। देखा गया है क्या कि जो शंघाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, इसका फर्स्ट हम लोग एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट इनका जो है 2014 में इन्होंने गजट नोटिफिकेशन पेश किया था असेंबली में। उसके बाद इनको 2015 में अप्रूवल मिला UGC के थ्रू, इनको रिकॉग्निशन मिला कि कोर्सेस किसी कोई भी कोर्सेस चला सकते। तो ये यूनिवर्सिटी 2015 से अपना कोर्सेस वगैरह रन कर रही है। बेसिकली अगर आप देखेंगे कि अप्रूवल, बहुत लोग बोलते हैं अप्रूवल है नहीं है, ठीक है, इस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये सही में UGC की लिस्ट में है कि नहीं। तो दोस्तों, अगर बहुत लोगों को पता नहीं हो, बहुत से दोस्तों को अगर पता नहीं है कि यूनिवर्सिटी को हम लोग कैसे चेक करेंगे कि यूनिवर्सिटी जेन्युइन है नहीं है, तो उसको उसको चेक करने का एक सीधा साधा तरीका है कि UGC की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है या नहीं है। तो उसमें अगर आप जाते हैं तो आप UGC की जब वेबसाइट आप खोलोगे, UGC की वेबसाइट में जाने के बाद उसमें एक यूनिवर्सिटी का ऑप्शन रहता है। वो यूनिवर्सिटी का ऑप्शन में क्लिक करोगे तो उसमें आपको बेसिकली तीन यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन रहता है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हो, क्योंकि शंघाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसमें अगर आप जब जाओगे तो आपको वहां पता चलेगा कि आप स्टेट में जाते हो। जैसे मणिपुर, जैसे आप खोलोगे तो मणिपुर में जब खोलोगे तो वहां पे बहुत से लिस्टिंग होंगे, जितने भी मणिपुर में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उनका वहां पे लिस्टिंग रहेगा। उस यूनिवर्सिटी में, पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जब जाओगे तो वहां पे पूरा डिटेल्स रहता है। जहां तक कि इस यूनिवर्सिटी का देखा गया है कि वहां पे कोई डिटेल्स, कोई अपडेट्स नहीं दिया हुआ था, जिससे थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है कि पता नहीं ये यूनिवर्सिटी सही है या आगे पता नहीं इनका क्या होने वाला है नहीं है। तो उस पर हम लोग अभी डिस्कस नहीं करते हुए हम प्रॉपर सिर्फ इस पे डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी जेन्युइन है या नहीं। तो हम लोगों को एक ध्यान ये भी रखना है कि अगर UGC की वेबसाइट पे अगर उनका लिस्टिंग हो गया है तो UGC कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये अप्रूवल देती है यूनिवर्सिटी को अपना कोर्सेज को रन करने के लिए। तकरीबन अभी पूरे इंडिया में अप्रोक्स हमको लगता है कि 1000 प्लस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गई हैं। पहले 2-3 साल पहले 300-400 अप्रोक्स यूनिवर्सिटीज थी स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, लेकिन अभी इनका रेशियो बढ़ते जा रहा है। तो ये आपको डिसाइड करना है कितनी यूनिवर्सिटीज की हमको जरूरत है कि नहीं। तो खैर, इस पे हम लोग आगे का नेक्स्ट कोई वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों का कमेंट्स में अगर आता है कि इस टाइप का भी आप वीडियो बनाइए तो हम बना के उस पर भी हम आपको वीडियो बनाएंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि इतनी यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट है कि नहीं हमारे देश में, ठीक है। तो हम इस वीडियो को आगे करते हुए बताते हैं कि इसमें जब जाएंगे तो इसमें कुछ भी अपडेट नहीं, ना VC का नंबर डाला हुआ है, ना कोई, सारा जो इंस्पेक्शन वगैरह है सारा अपडेटेड आ रहा है। तो हम लोग फिर इस पर रिसर्च करते करते जब यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे हम लोग गए, जो कि आपका शंघाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी .edu.in है, इसमें बहुत से और दिए हुए थे, एकेडमिक है, रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन का इनका भी पूरा पैनल उसमें ब्लैंक है, तो इससे थोड़ा और कंफ्यूजन हो जाता है कि सही में, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटीज को एप्लीकेशन मिलता है तो ये रूल्स बना हुआ है कि सारा आपको अपने वेबसाइट पे शो करना है कि आपको कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से आपको अप्रूवल मिला हुआ है। बशर्ते बहुत से हो सकते हैं यूनिवर्सिटी का अपना खुद का कुछ प्राइवेसी पॉलिसी होता है जो हो सकता है वो नहीं डाल रहे हैं अपने इस पे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ज्यादातर एक्सटर्नल प्रोग्राम्स, एक्सटर्नल स्टूडेंट्स प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है। एक्सटर्नल स्टूडेंट्स प्रोग्राम क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे डिस्कस कर रहे हैं कुछ इनका, जब हम वेबसाइट जब हम लोग सर्च कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा कि इनका था अबाउट अस है, एकेडमिक है, रिकॉग्निशन है, एडमिशन है, कोर्स ऐसे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे संगाई इंटरनेशनल के बारे में, ठीक है। तो जो फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस जो है जिसका यूनिवर्सिटी ने कॉन्फिडेंटली आंसर किया हुआ है, इसमें दो तीन चीजें हैं। व्हाट इज संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है, इज द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाई द गवर्नमेंट, इज संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रिलेटेड बाई एन नैक। तो इसका एक्चुअली हम लोग बात करेंगे कि ये यूनिवर्सिटी जो है 2014 में इनको गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू इनको अप्रूवल असेंबली में इन्होंने पेश किया था जिसमें इन्होंने उनको मिला अप्रूवल। उसके बाद 2015 में यूजीसी के थ्रू इनको अप्रूवल मिल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सटर्नल स्टूडेंट्स का जो कोर्सेस है इस पर ये लोग ज़्यादा डील कर रहे हैं। जो 2015 में इन्होंने गैजेट नोटिफिकेशन में डाला हुआ था, ठीक है, तो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स कोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल स्टूडेंट्स कोर्स वो होता है कि जो बच्चे क्लासेस नहीं करते हैं, जो आउटसाइडर होते हैं, जो आकर मतलब उनका जो डिप्लोमा डिग्री जो प्रोग्राम चला रहे हैं उनको इजिली वो बाहर से ऑफ कैंपस में मतलब कोर्सेज कर सकते हैं। ऐसा यूजीसी का हम लोगों ने बहुत से कोर्सेज देखे हैं जिसमें लोगों ने ऐसा यूजीसी ने कहीं नहीं बोला है कि इस टाइप से यूनिवर्सिटी चला सकती है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एक अपना इनका मैनेजमेंट कमेटी का जो डिसीजन होता है जिसके थ्रू ये लोग एक्सटर्नल स्टूडेंट्स प्रोग्राम ये लोग कंडक्ट करते हैं, जिसमें आपका डिप्लोमा डिग्री एंड पीजी कोर्सेज को ये लोग रन कर रहे हैं, जिसमें बहुत से कोर्सेज में ज्यादातर इनका एमसीए कोर्सेज जो है जो बेस्ट माना गया है। यहाँ से जो बच्चे एमसीए वगैरह करते हैं उनका प्लेसमेंट वगैरह का सिनेरियो वगैरह ठीक ठाक होता रहता है। इसमें और सा है कि ये जो 2000 इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 2I ऑफ द संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक्ट 2014 एक्सटर्नल स्टूडेंट्स मीन्स अ प्राइवेट स्टूडेंट्स हु इज रजिस्टर्ड एट यूनिवर्सिटी फॉर अ अवार्ड सर्टिफिकेट डिप्लोमा एंड डिग्री प्रोग्राम बट स्टडी इंडिपेंडेंटली आउटसाइड द यूनिवर्सिटी। इनका 2014 में जो यूनिवर्सिटी एक्ट के थ्रू जो इन्होंने लिया था उसमें एक्सटर्नल स्टूडेंट्स का इन्होंने जिक्र किया हुआ है, उसमें उन्होंने एक ऑप्शन डाला हुआ है कि हम एक्सटर्नल स्टूडेंट्स प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट करेंगे जिसका जो भी डिग्री डिप्लोमा जो कोर्सेज बच्चे करेंगे उसको हम लोग अवार्डेड करेंगे, उसको हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। तो संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का जो 2014 का जो इन्होंने गैजेट नोटिफिकेशन में जो एक्ट जो इन्होंने पास किया था TF के थ्रू, इन्होंने एक्सटर्नल स्टूडेंट्स का उसी में इन्होंने एक ऑप्शन डाला हुआ था जिसके अंतर्गत की वो स्टूडेंट्स एक्सटर्नल प्रोग्राम वो कंडक्ट कर सकें। उसके आधार पे इनसे फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि इस इंस्टीट्यूशन इस यूनिवर्सिटी का कहीं पे स्टडी सेंटर या कुछ है कि नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पे टोटली उन्होंने सिंपल जवाब दिया है कि द यूनिवर्सिटी डज नॉट हैव एनी स्टडी सेंटर लर्निंग सेंटर ऑफ कैंपस एफिलिएटेड कॉलेज फ्रेंचाइजी इंस्टीट्यूट एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है, मतलब इनका कहीं भी इंडिया में कहीं भी इनका कोई ना फ्रेंचाइजी सेंटर है ना इंस्टीट्यूशन है किसी भी तरह का इनका कोई मतलब ना ऑफ कैंपस चल रहा है, ये डायरेक्टली जो इनका जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वहाँ से ही डायरेक्टली इनका सारा कोर्सेज का जो प्रोग्राम होता है वहाँ से रन करता है। भले ही बच्चे आउटसाइडर्स होते हैं लेकिन वो टोटल वो ये सारा कंडक्ट यूनिवर्सिटी खुद करती है, इनका कोई स्टडी सेंटर इनका ऑफ कैंपस सेंटर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इनका रजिस्ट्रेशन का भी जो है इनका रजिस्ट्रेशन का भी बहुत तरह का जैसे प्रोसीजर्स है जिसमें लोग मांगते हैं कि सपोज अगर आप अपना डॉक्यूमेंट जब आप भेजते हैं एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी को तो उसमें वो लोग अपना सर्टिफाइड गजेटेड ऑफिसर्स का सिंपल या सेल करके भेज सकते हैं। उसके बाद आपका इनका जो प्रोग्राम है वो कैसे चला रहे हैं इसका भी मैं आपको डिटेल में आपको देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है सारा जितने भी एडमिशन होते हैं जितने भी वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड
या आपको नोटरी पब्लिक से आपको साइन करवा के आपको उनको डॉक्यूमेंट की मतलब उनको लगे कि आपका डॉक्यूमेंट जो भी है और जेन्युइन है और इसका मतलब वेरीफाइड है, ठीक है, इसलिए वो लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इनके कोर्सेज से कि बेसिकली ये कोर्सेज क्या क्या रन कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इनका कोर्सेज का मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड साइंसेज कोर्सेज फर्स्ट ऑफ ऑल चलाते हैं, जिसमें बीटेक करवा रहे हैं, ठीक है, डिप्लोमा कोर्सेज करवाते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी ये करवा रहे हैं, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन इस टाइप के कोर्सेज हैं, प्लस एमटेक भी इनके यूनिवर्सिटी कैंपस में है, जो एमटेक की डिग्री वगैरह भी ये मतलब कोर्सेज रन करवाते हैं। उसके अलावा है आपका फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें ये बी सी ए एम सी ए जितने भी कोर्सेज हैं, लेटेंट एम सी लेटेंट ये सारा कोर्सेज ये चला रहे हैं, ठीक है। ये एम टेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी रन करती है। उसके बाद इनका मेन फंडा होता है कोर्सेज पे फैकल्टी ऑफ मेडिकल एंड पारा मेडिकल साइंस, इनमें बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्सेज चला रहे हैं, बीपीटी जिसे बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद इनका जो है कोर्सेज हैं डिप्लोमा इन हेल्थ केयर एंड सर्विस, पैरामेडिकल्स में बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं, डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट ब्यूटी कॉस्मेटोलॉजी इस टाइप के कोर्सेज भी ये रन करते हैं। अभी फैकल्टी ऑफ लॉ भी चला रहे हैं, प्री यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है, तो प्री यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में तो मैं हल्का सा मैं कन्फ्यूज हूँ कि क्योंकि कहीं भी ऐसा यूजीसी का कहीं भी नॉमिनेशन ऐसा नहीं है कि एक प्री यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ही चला सकते हैं। रीजन है कि जनरली जो इसके लिए इनको MHRD या बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है, बोर्ड से या वो टोटल थ्रो इनको कमांड करता है MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का जो ये है ऑर्गेनाइजेशन है वो MHRD वो देखती है। तो यहाँ पे हमको लगता नहीं कि प्री यूनिवर्सिटी प्रोग्राम पता नहीं ये कैसे चला रहे हैं, लेकिन इनका है, इसमें इन्होंने डाला हुआ है कोर्सेस में, ठीक है। प्लस ये बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA का भी है, इंटीग्रेटेड MCA प्रोग्राम भी चला रहे हैं, और इनका मोस्टली है मैनेजमेंट प्रोग्राम भी है, बिजनेस एंड मैनेजमेंट में MBA एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम भी ये चलाते हैं, BBA की भी कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं। तो इस तरह से इनका बहुत से कोर्सेज है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि इनका जो फी स्ट्रक्चर वगैरह है, जो फी स्ट्रक्चर इनका है कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज, इनकी फीस कम है। अगर जो बच्चे फाइनेंशियली साउंड नहीं है या जो ज़्यादा पैसा मतलब अपने एजुकेशन से नहीं लगा सकते हैं, तो वो लोग ऑलरेडी यहाँ से कर सकते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि फी वगैरह नॉमिनल सही है कि इतना बच्चे पे कर सकते हैं। जो अगर आप बोलोगे तो इसका मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा मैं अपने वीडियो के माध्यम से, वो आप एक बार चेक कर लेना, उसमें फी ऐसा क्या होगा सारा चीज़ वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको बताते हुए आगे इस तरह से कोर्सेज चला रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन का ट्रेडिशनल कोर्सेज वगैरह भी चलाते हैं, BSc के कोर्सेज हैं, MSc के कोर्सेज हैं, इस तरह से टोटल कोर्सेज ही चला रहे हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस के कोर्सेज है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो देख रहे हैं इनका सारा है, MSW प्रोग्राम वगैरह भी कर रहे हैं, प्लस इनका है आपका 1 ईयर का MPhil प्रोग्राम भी है, जो आपके PG बच्चे कर सकते हैं, और ये लोग PhD प्रोग्राम भी चला रहे हैं, PhD भी कराते हैं, इनका 2 ईयर्स का PhD प्रोग्राम है। तो इस तरह से जो है ये सारा करवा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो रहा कोर्सेज का, हमने यहाँ पे डिटेल्स आपको बताया है। उसके बाद होता है कि एसोसिएशन का, तो एसोसिएशन का भी UGC का ही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि UGC एसोसिएशन ही है, अभी कुछ खास ना आपका इनके वेबसाइट पे ज़्यादा शो हो रहा है ना कुछ हो रहा है, लेकिन कोर्सेस अगर नॉर्मली करना है यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन PG वगैरह, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी सही है। और आगे आप खुद देख सकते हैं कि मतलब सर्च करके
कि कहाँ से करना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा रिसर्च तो करते ही होंगे, ठीक है। और अगर हम एक एक पार्ट पर अगर वीडियो बनाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ऐसे आप कमेंट्स में मेरे को बताना कि अगर इसका अगर बहुत हर पार्ट पर अगर वीडियो चाहिए तो मैं फिर नेक्स्ट इसका हम पार्ट टू भी बना सकते हैं, उससे हम इसे हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। इसके साथ ही वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।